मध्य प्रदेश की पुण्य धरा संतों के नेतृत्व में सामाजिक समरसता का अद्भुत संदेश दे रही है। प्रदेश के 52 जिलों में 26 अगस्त तक इन दिनों स्नेह यात्रा निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत देश भर से पधारे संत गांव गांव जाकर एकात्मकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह की एक यात्रा रविवार को बेटमा में भी पहुंची, जिसके अंतर्गत युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमानंद गिरी जी महाराज बैठमा नगर के गोगा देव मंदिर पहुंचे और भक्तों को स्नेह यात्रा का उद्देश्य बताते हुए सभी को एकात्मकता का संदेश दिया। इस दौरान नगर के अग्रणी ब्लू स्काई कंप्यूटर एजुकेशन की ओर से राजेंद्र सूर्यवंशी द्वारा स्वागत किया गया। समाज के विभिन्न मार्गों में आत्मीयता का भाव बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश का जन अभियान परिषद और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदेशव्यापी स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रत्येक जिले में एक संत भ्रमण कर रहे हैं, वह बस्तियों में जाकर जनमानस में समरसता के भाव बढ़ाएंगे। इस आयोजन के मूल में समता, सहयोग, सादगी और समर्पण के भाव को लेकर अपनत्व और नैसर्गिक स्वरूप में वंचित वर्गों और पूज्य साधु संतों का सद्भाव मिलन है। बेटमा पहुंचे स्वामी श्री परमानंद गिरी जी महाराज के स्वागत सत्कार के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान दलवीर सिंह छाबड़ा, राहुल चौहान, संजय जाट सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सद्भावना हो, प्रेम हो, सब एक रहे और हमारी एकता ही सब समस्याओं का समाधान है। देश को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए सब लोग एक रहो, ठीक है। प्रेम में दूरियां मिली जाती, इसलिए स्नेह यात्रा है, ठीक है। और सर्वम कल्पितम ब्रह्म का मतलब हम सब ब्रह्म ही हैं, परमात्मा के ही अंश है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।